गाइस वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे और नए व्लॉग में। सो ये है हमारा पीसी, मतलब इसमें हमारा पीसी का सारा सामान है। तो एक बार इसको सारी टेप को हम लोग काट देते हैं। हाँ तो गाइस एक मेन बात और, ये जो डब्बे हैं ना इनमें सामान नहीं है कुछ, ये डब्बे खाली यूज़ के लिए है। मतलब कहीं पे कई बार यूज़ पड़ जाए या बिल्कुल बिल्कुल हो जाए तो भाई इनसे हम गाइस अभी करते हैं इसको अनबॉक्स। ये रहा हमारा सीपीयू, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके निकालना पड़ेगा आराम से, क्योंकि कैबिनेट थोड़ा सा हल्का है लेकिन तो ये रहा हमारा कैबिनेट सीपीयू। दोनों का अभी पैर के काम आएंगे खेलने के लिए, तो अभी इसको निकाल के और फाइनल दिखाता हूँ मैं किधर। हाँ तो गाइस ये है इसका कैबिनेट, इसके इसमें एक इधर पंखा लगा हुआ है, एक इधर है और इस साइड भी तीन पंखे हैं शो ऑफ के लिए, और इसमें बढ़िया वाली लाइटें भी जलती हैं। सो इसको थोड़ा सा भी साइड में रखते हैं तो पूरा ओवरऑल कुछ ऐसा है पीछे से, और इधर से टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है। और इसके अंदर डलवाया मैंने RTX का, GTX नहीं डलवाया पता नहीं क्यों। RTX का 3050 जो कि मैंने वीडियो में बताया था प्रीवियस वाली वीडियो में। सो अब इसको करते हैं अनबॉक्स हमारे प्यारे से हमारे इस मॉनिटर को। तो इसमें है हमारा मॉनिटर, टेप इधर भी लगी है, इधर से पकने कर लेते हैं। तो ये है हमारा मॉनिटर, तो सेफ्टी दी हुई है थोड़ी सी, तो 24 इंच का लिया मैंने मॉनिटर ताकि थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन रहे। 21 इंच का ले सकते हैं बस फिर भी, और LG का ये तो कुछ इस टाइप का है, 75 हर्ट्ज़ का है ये, पता नहीं मैंने 75 का क्यों लिया, मुझे मेरी चलानी 120 का या 140 का मुझे 120 का आता है मुझे पता नहीं कुछ। और ये इसमें कुछ वाली वाली नीचे वाला जो पार्ट है ये वो है, और ये एक चीज़ और पता नहीं क्या है। तो फिलहाल इसको करते हैं अभी अनबॉक्स। तो ऐसा कुछ है, इसकी सेटिंग भी करनी पड़ेगी फोन से होगी ही, तो सोनू भैया को बुलाना पड़ेगा हमें इसकी सेटिंग करने के लिए। उसे ना बुला ली भी टाओ कर लेगा एकर का, हाँ एकर का यू सामान और काट ले सारा सो पुराना रे, यू तो उधर देखे अगर मेज पे इधर यू नहीं है यू उधर दे यू। हाँ तो गाइस अभी अपने मॉनिटर को इधर रख देते हैं, मॉनिटर का नाम और अभी हमारे इस
माउस और कीबोर्ड को भी अनबॉक्स करते हैं। और ये है AMT Sports का माउस और कीबोर्ड। माउस देखते किस टाइप का, शायद से गेमिंग टाइप का ही होगा थोड़ा सा लुक, तो इसके लुक कुछ ऐसे है, गेमिंग टाइप का माउस है ये। और ज़्यादा आवाज तो करेगा नहीं, तो इसको भी एक बार रखते हैं। और अभी हम सुन भैया को बुलाते हैं और थोड़ा सा सेट करते हैं सिस्टम जो भी है। तो गाइस हम इसमें खाली गेमिंग नहीं करेंगे, हम इसमें हो सका तो व्हाइट हेड जूनियर डाउनलोड करके कोडिंग की क्लास भी अटेंड करेंगे शायद ही, देखूंगा वो मैं, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड भी कुछ करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या कुछ चेंज होता है। सो गाइस अभी इधर नहीं है सोनू भैया, उस साइड है। थैंक यू। तो हमारे साथ है एक ऐसे शख्स जो सिविल इंजीनियर है और सीए फाइनल दे रहे हैं ताकि वो मैकेनिकल इंजीनियर बन सके, है ना। तो ये है सारा सामान और सोनू भैया अभी इसको सेटअप वेटअप करेंगे, पावर सप्लाई लगाएंगे सब। माउस पैड छोड़ो तो रे मिल जाएगा, सत्तर रुपया उसमें। पूरा लेना है, बड़ा बड़े वाला लेना है पूरा उसको। अच्छा कीबोर्ड भी दे रहा जाएगा। हाँ ठीक है, मेज पे। हाँ और अनु दे रहा जाएगा पूरा, फिर तो लेकर और लगा हो तो। तेरे तो लग गए एक्सटेंशन करना लगा के केबल लगा के सोनू भैया ने हमें सलाह दी है कि थोड़ा देख के गिरने जा। हाँ तो कह सोनू भैया ने हमें सलाह दी है कि हम अपना जो स्टूडियो है उसको नीचे शिफ्ट कर लें, क्योंकि वाईफाई की तार जो आएगी उसमें मोटा खर्चा हो जाएगा, चाहे हो ना हो फिर भी। सोनू भैया ने कहा, सोनू भैया आप क्या कहना चाहोगे? नीचे बढ़िया रहेगा, वहाँ से तेरी तार भी छोटी रहेगी और वहाँ की दीवारें भी अच्छी हैं। आजा मित्र, दो किल बर्बाद जिसको हम बाद में निकाल लेंगे। तो नीचे शिफ्ट करते हैं। तेरी वीडियो बन गई। इधर इनके साइड पे दिखा रखा है कि हम कौन कौन से गेम खेल सकते हैं, तो ये सारे गेम हम खेल सकते हैं। मतलब देख रेजिडेंट इवल 2 3 4 खेल सकता हूँ क्या? 4 नहीं दिखा रहा किसने, बाकी खेल लेगा यार जब 6 7 खेल सकते हैं तो। अरे ये रही वो रेजिडेंट लेवल रिवेलेशन से भी है वो। हाँ चलो रेजिडेंट इवल भी खेलेंगे कभी ना कभी, GTA स्टोरी मोड तगड़ा है ना। फीफा भी खेल सकते हैं, हम फीफा 22 तक खेल सकते हैं, फीफा 22 तक, कैन यू इमेजिन। और हम F1 भी खेल सकते हैं, F1 रेसिंग वाली होती ना, 7 Days to Die 300 Young हम वो खेल सकते क्या? Tekken 3 हाँ, RST येरा Tekken 7 खेल सकते हैं, 3 दस छोड़। नहीं Tekken 3 मजा आता है वो, पॉल मेरा फेवरेट कैरेक्टर है भाई साहब। खेल लेगा तो जब 7 खेल सकता है तो। और CS:GO भाई अब लिस्ट है तेरे सामने, देखता रहियो। मैं देख लूँगा। सोमनू भैया आप सोफे बैठिए और मैं चेक करता हूँ कि मेरे को जो गेम्स खेलनी है वो इसमें अवेलेबल है या नहीं है। प्लीज इतनी सारी गेम्स तो हैं और क्या। नहीं माइनक्राफ्ट खेले देखो। माइनक्राफ्ट विंडोज 10 एडिशन अपनी विंडोज 10 ही है ना। सोमनू भैया प्लीज मेरे को देखने दो। सोमनू भैया
तो गाइस अभी मैं गेम डाउनलोड कर रहा हूँ और अपना पीसी मस्त दीवारे वाली लाइट छोड़ता हुआ। तो इसी के साथ आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। होप आप लोग आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।